to B4U Star Stop. You're with me, Salil. Kuch log naye, kuch log purane, kuch log gayab se. Yehi aaj ka definition aur aaj ka introduction hai. Rahul, thank you so much for joining us. Aaj aap star hai. Ek zamana aisa tha jab aapne hame bataya ki 4 saal pehle mile hain. Jab aap shayad ek film actor us samay shayad nahi the. Ji nahi tha, main college mein pad raha tha us waqt. Wow. Aur us samay bhi ye jawline thi tumhari? Aaj nahi, us samay golu mulu. Really? Yes, I lost 20 kg. Wow, we'll come to talk about that. And वो चार साल पहले जब मिले, जिस गायब की मैं बात करता हूँ, स्वाति, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे जॉइन करने के लिए। थैंक यू। कहाँ गायब हो? मैं इधर ही हूँ। नहीं, आज की डेट और ज़माने में क्या होता है? हम बात करेंगे इस गायब की। राज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, प्लेजर। सर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, यू नो, अ पर्सन हु हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द इंडस्ट्री, और इनका जो तालमेल हो गया, इसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे। बट ये बात बताइए, ये जो लोग आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, आपको लगता है कि कई बार बहुत सारे लोग इसमें मानते नहीं है कि अपना केस खुद आगे पहुंचाना, लेकिन आपको क्या लगता है कि कई बार आप पीआर की मारी हो? हाँ, कह सकते हैं आप इसको। एक्चुअली बन्नू के टाइम पे कुछ ज्यादा पीआर हो गया था मेरा, जिसका मुझे बहुत लॉस हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, उसका मुझे हुआ है कुछ, और कहीं कुछ किसी ने कुछ छाप दिया, और आई वाज वेरी न्यू, तो आपको पता है मैं तो आपसे मिली हूँ, मैं कैसी सी थी, और मैं आई, मुझे नहीं पता, मैंने हर जगह जो जैसे बोलना था, जितने क्रेडिट्स देने थे, मैंने सब चीज़ें दी। अब किसी ने क्या छाप दिया, क्यों छाप दिया, मुझे नहीं पता। उसका बहुत बैकलैशेस मुझे मिला है और मैं उसको आज तक झेल रही हूं। बात को तो काफी साल हो गए हैं, यहाँ पे तो लोग ओपनली लड़ाइयां कर बैठते हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। बड़े जब सलमान शाहरुख वापस मिल सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मैंने काफ़ी गाने स्क्रैचेस वगैरह चलते रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरी स्ट्रगल, पता नहीं, जब तक मैं गाऊंगी ना तब तक चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जब तक है जा, जब तक है जा, वो चलेगी और मैं उसके लिए रेडी हूँ। बट तुम एक बहुत कमाल की सिंगर हो, और जब इंडस्ट्री में भी आई थी, मैंने उस समय भी शायद बोला था, रिचा जी और आपकी आवाज़ सिमिलर टाइप की, ऐसा एक स्वैगर है उसमें जो अक्सर आवाजों में नहीं होती है। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो ट्रेडिशनल आवाजें जरूरी नहीं है कि वो चल जाती है अभी, क्योंकि जिस टाइप की रस्टिक सिनेमा बनाई जा रही है, ये आपके लिए टेलर मेड है। एक जमाना शायद ऐसा था 4 साल पहले, जब शायद आपके लिए टेलर मेड फिल्में नहीं थी, तो अब एक फ्रेश राउंड मारना जरूरी है। मेरे ख्याल से आपने कभी फोन उठा के व्हाट्सएप किया लोगों को? मैं जाके मिली हूँ, सीढ़ियों पे बैठ के रोई हूँ कि मैं जा के पर्सनली मिली हूँ। और कितनी बार, मतलब जैसे सपोज मैं जा रही हूँ कोई मूवी देखने, ऐसे ही मेरा भाई है, मैं आपको बता दूँ, इससे पूछे कि मुझे घर से निकालना कितना मुश्किल है, पर मैं जाती हूँ, मैं घर से बाहर सिर्फ निकलूँगी अपने काम से, मेरा ऐसा रहता है। तो मैं निकली और वहाँ पे एक म्यूजिक डायरेक्टर टकरा गए, और आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज लाइक, मैं बोला सर ऐसा ऐसा सीन है, ही सेड कि आप आइए मिलिए। उसके बाद मैं 50 बार ऑफिस में जाके बैठी हूँ, मैं बोला अरे मैंने ये गाना गाया है, और इट्स अ ह्यूज सॉन्ग, क्योंकि अभी तक अगर मुझे शोज मिल रहे हैं। आज भी एक स्टेटमेंट याद आया जो आपने दिया था, आपके पिताजी जो है आपके लाइफ में बड़े अच्छे थे, और आपने कहा था कि हमें आपको जरूरी नहीं है कि आप बाहर घूमने जाएंगे, यू नो, सो लाइक वो कहते हैं वो ट्रेडिशनल स्ट्रगल, गरीबियत वाली स्ट्रगल। हाँ, तो आपने कहा था नहीं है, मेरी गरीबियत वाली स्ट्रगल नहीं है। अब 4 साल बाद वाली ये बात मेरी वापस आ रही है, सोचो शायद ये लोग ऐसे सोच बैठे हैं, ये इसको भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मे बी शी डजंट नीड इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई नीड इट बैडली। और मैं आपको अपने अगर चैट्स भी खोल के दिखा दूं, आप देखोगे एक लाइन से लगातार मैसेजेस हैं, जैसे मैं पहले करती थी वैसे मैं आज करती हूँ, मैं जाके मिलने की कोशिश करती हूँ, बट असिस्टेंट्स जो भी रहते हैं या वो, दे डोंट लेट मी मीट ओनली, डोंट लूज हार्ट एट ऑल। I promise you, 2018 ने बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों को आधा काट दिया, और बहुत जो मुर्दे हो चुके थे वो वापस ऐसे गढ़ के माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ इज ऑल्सो टाइम वेन यू मस्ट हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, राइट, एंड यू मेक रिक्रिएटेड वर्जन्स ऑफ दिस करंट सॉन्ग्स। आई रियली फील योर वॉइस इज परफेक्ट फॉर द काइंड ऑफ सिनेमा बीइंग मेड राइट नाउ, थैंक यू। एंड ये एक रस्टिक जो फील आया था, आई थिंक यू नीड टू कीप रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अक्सर ऐसा होता है कि आप ऐसे प्रहार के साथ जब आते हो शुरुआत में, आपको खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कि जितने लोग हैं सब एक पीस चाहिए आपका, आप इनके साथ रह चुके हो, वो दौर देख चुके हो जी। उससे पहले भाई ये जॉलाइन फिर भी कैसे आई है? यार कितना हम भी ऐसे देखे यहाँ पे 2-4 मोटे, लेकिन उनका कभी ऐसा जॉ नहीं आया उसके बाद। बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और भी कम चाहिए? हाँ जी, अभी और भी कम चाहिए। बट सो You also had a very proper idea कि मुझे बॉलीवुड में आने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा जी। पिक्चर के ट्रेलर में भी बहुत, इसमें
क्या होता है ना, शुरुआती फिल्में में चार पांच आठ दस लोग रहते हैं तो बट जाता है जी जी। यहाँ तो तुम दोनों के बीच में ही सब कुछ चल रहा है, तो वेरी डिफिकल्ट फिल्म ऑल्सो। गड़बड़ होगी तो सब तुम्हारे यहाँ ऊपर ही क्वेश्चन मार्क करेंगे, नहीं हुई तो बोलेंगे वाह वाह। सो दिस वाज अ बिग स्टेप टू टेक ऑल्सो। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परिश्रम किया जिम में भी वगैरह बाकी जगहों में। लाइक बेसिकली द फिल्म इज साइकोटिक थ्रिलर फिल्म, तो एंड आई एम प्लेइंग अ साइको कैरेक्टर, तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि आप एक साइको कैरेक्टर प्ले करना है। लाइक आप जॉली बॉय प्ले कर सकते हो, एक क्रिमिनल का प्ले कर सकते हो इजीली, बट साइको कैरेक्टर के लिए आपको पूरा फोकस चाहिए उस चीज़ के लिए। लाइक एट अ पर्टिकुलर टाइम पे ये कैरेक्टर क्या सोचेगा, क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना वेट लॉस बहुत ज़्यादा किया खतरनाक, क्योंकि मुझे वो भी साइकोटिक ही हो जाता है यार वेट लॉस की। सही में क्या खाएं क्या ना खाएं, भूख आ रही है, सर पे दर्द हो रहा है फिर भी। अरे बहुत ज़्यादा मत पूछो, मैं लाइक 8 to 12 मील्स लेता था, एंड कभी कभी हाफ बिस्किट होती थी, हाफ एप्पल होते थे, ऐसे ऐसे मैं डाइट्स में था मैं। तो लाइक मैंने बहुत से डाइट्स किए थे बिकॉज मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए थे। एंड फिल्म के लिए बेसिकली जो मेरा स्ट्रगल था कि मुझे वेट लॉस करना था, प्लस मुझे मेरे कैरेक्टर को समझना था, जो मेरे कैरेक्टर है विशाल का, तो उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़े बुक्स पढ़ने पड़े एंड न्यूज़पेपर पढ़ने पड़े, बिकॉज साइको कैरेक्टर इज़ नॉट दैट ईजी। अगर रियल लाइफ में तुम कभी फोन को लेकर साइको नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा फोन कैसे टच कर लिया तूने, मेरे इंस्टाग्राम मैसेज चेक कर लिए। नहीं, मुझे मेरे कपड़ों को लेके होते हैं। कपड़ों को लेकर। बढ़िया सर, आप कभी साइको हुए हैं? आप मेरे शांत किस्म के इंसान लगते हैं सर। चलो बेटा गा लो। ऐसे सर मेरे लिए ऐसा साइकोपन नहीं हुआ, लेकिन मैं बीच में डिस्टर्ब हुआ था। क्या हुआ कि मेरी फिल्म आई रोमियो अकबर वॉल्टर, जिसमें मेरा गाना था जी लैंड, और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। बहुत ही बढ़िया गाना था, पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी। जी जी, मेरी दोस्त उसमें थी मोनी। जी जी जी। और तो मेरे को यशराज में ये पिक्चर दिखाई गई थी, और यशराज का साउंड ही बड़ा अच्छा रहता है और अच्छा लगता है, लेकिन डर ये लगता है वही 20 लोग जिन्होंने पिक्चर बनाई वहाँ बैठे होते हैं। सर कैसा लगा? अरे व्हाट ए फिल्म। उसके बाद से जाना ही बंद कर दिया वहाँ पे। करेक्ट सर। देन उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत अप्रिशिएशन मिला मुझे। उसके बाद मेरी फिल्में आई जो उसमें मुझे रिक्रिएशन का गाना मिला, हमें तुमसे प्यार कितना, देन सो गया ये जहाँ, बाईपास रोड। अभी तो मुझे एक ओरिजिनल गाने की जरूरत थी, कि मतलब मैं रिक्रिएशन नहीं करना था। तो इस फिल्म के लिए मुझे रिक्रिएशन ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह जाता है हजारों लोग से। करेक्ट। कल मैं बादशाह भाई के साथ बैठा था, कहता है मेरे को हे आई हेट, मैं खुद तो चार बना चुके हो, कहता भाई मैं क्या करूं। करेक्ट सर। कहता जब मैं कोशिश करता, अभी उन्होंने एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट का बनाया, कहता है ये लोगों की मांग हो गई है और पब्लिक भी यही गाने, अगर मैं कुछ ओरिजिनल सुनाऊं, कहते ये कौन सा है। करेक्ट सर। करेक्ट सर। वो कहते हैं भाई एटलीस्ट हमें फैमिलियरिटी तो होनी चाहिए। सही बात है। तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप अपने रास्ते पर चलने के लिए काम खोने को तैयार हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी एक ये स्टेप लेना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए मेट्रो सिटीज़ की बात अलग है, लेकिन हम यहाँ से जब कहीं दूर जाते हैं तो हमसे पूछते हैं ये गाना आपने किया था, इसमें आपने क्या किया। तो बड़ी शर्म वाली बात हो जाती है कि सच बात है, हम किसी के क्रिएशन को कई बार स्पॉइल भी कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो सर कई बार, हाँ, लगता सिर्फ 10% बार ठीक होता है, 90% स्पॉइल ही हो जाता है। स्पॉइल होता है। लेकिन एक कमाल की सिंगर है, आज इनसे गवाएंगे जरूर। और मुझे ये लगता है कि यार आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी, एक अलग अलग, ये इनका न्यूनेस है, फुल एक्सपेक्टेंसी है, यहाँ ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो बहुत सारे देख चुके हैं, और ये काम छोड़ने को तैयार है, और ये काम की भूखी है। कमाल का कॉम्बिनेशन। मुझे काम दो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल कम राइट बैक। यू बैक ऑन स्टार स्टार विद मी सलील, एंड एक्सरे एक नई फिल्म आने वाली है, जिसमें प्रमुख कैरेक्टर है राहुल, एंड ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम इज प्लेइंग अ रोल इन ऑन द सेलुलॉइड, एक यू नो साइकोटिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। स्वाति संग ब्रिलियंट ट्रैक इन दैट, राज सरो यर म्यूजिक डायरेक्टर। बट राहुल पहली बार बड़े पर्दे पर अपने आप को देख करके वो फीलिंग डिस्क्राइब करो, मतलब कई बार ना लोग अपने आप को ऐसे दंग रह जाते देखते देखते, बाकी दूसरे लोग बोलते आए हाय थोड़ा और करना चाहिए था। लाइक मैंने जब डबिंग कर रहा था, तब मैंने अपने आप को देखा था, मैं सोचा था यार ये मैं ही हूँ, मैंने किया ये सब, बिकॉज आप ट्रेलर में देखोगे इतना मुझे जिस तरीके से मैंने किया उस कैरेक्टर को। तो मैं अभी जितने जगह प्रमोशन पे भी गया, तो सारे लोग मुझे बोल रहे आप ही हो, आप तो इतने बच्चे से देखते हो। मैं खुद सोच रहा कि ये मैं कैसे बन गया ऐसे। अभी थोड़ी दाढ़ी रखी हुई है ताकि बच्चे रह गए। बट यू डन अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो, एंड आई थिंक योर डायरेक्टर राजीव रुइया ऑल्सो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। जब राइटिंग और डायरेक्टिंग दोनों चीजें की जाती है, तो आई थिंक उससे काफी एक डायरेक्टर के साथ बैठ के बहुत कुछ सीखना भी पड़ जाता है। जी जी।
तो आई थिंक एक लर्निंग अलग रहती, तो बहुत समय बिताया उनके साथ में सीखने के लिए? हाँ जी, मैंने बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया. लाइक बिफोर दिस फिल्म मैंने उनको एक फिल्म असिस्ट भी किया था मैंने उनको, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था. लाइक कैमरा वर्क कैसे होते हैं, चीज़ें कैसे होती हैं. एंड इस कैरेक्टर और इस फिल्म को जब मैंने साइन किया, लाइक ऑडिशन हुई हमारे, तो उसके उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ दिया चीज़ों के बारे में. एंड लाइक ऑन सेट भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे. अगर मुझे खुद से कुछ इम्प्रोवाइज करना है, मैंने बोला कि ओके यू कैन डू इट, जो तुम्हें करना है करो, बट एक एकदम नेचुरल लगना चाहिए था. दैट सर, नो दैट मेक्स सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फोर्स लगने लग जाए आज की डेट पे मुश्किल है. आज के दौर में आप जो सिनेमा आ रहा है, अब हर फ्राइडे जाने वाले वो टिकट गोअर है या फिर जो दोस्तों ने बोले अच्छी है हुई? नहीं सर, रिव्यू देख के. अच्छा, रिव्यू देख के. उसमें भी कितने सारे आते हैं सर, फेसबुक पर भी रोज रिव्यू आते हैं किसी का, हर किसी का. उसमें दो चार ऐसे होते हैं जिन वो आप मानते हैं कि नहीं ये करेक्ट ही है, और वो जनरली वो करेक्ट निकलते हैं. उनको ज्यादा काम नहीं होगा अगर वो करेक्ट हो रहे होंगे. बहुत सारे लोगों को रिव्यूइंग छोड़ना पड़ा है क्योंकि आर्टिस्ट लोग बोल देते हैं क्या बोल रहे हो. सही बात. फिर जाते हो आप पिक्चर देखने. नहीं ऐसे, लेकिन एज ए डायरेक्टर या एज अ सिंगर ऑल्सो, जो म्यूजिक आ रहा होता है उसको भापने के लिए, समझने के लिए ऑडियंस का, क्योंकि मैंने ऑलवेज रियलाइज किया है कि कई बार हमें म्यूजिक बाहर बहुत पसंद आता है. अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी हाउसफुल, नॉट सच ए ग्रेट फिल्म, अक्षय सर ने खुद बोला, लेकिन उस बाला गाने की वजह से इतना उसमें क्रेज हो गया. करेक्ट. जब वो मैंने थिएटर में देखा, पागलपन था. और मैं जाता हूँ जानबूझ के कई बार सिंगल स्क्रीन में जाता हूँ देखने के लिए कि क्या रिएक्शन है. लोग बाहर आ गए थे. जनरली हम लोग बिल्कुल जाते हैं, कई बार जाते हैं. और ऐसा भी होता है कि हम देखिए गाने तो हम सब सुनते हैं, चाहे वो चले या नहीं चले, क्योंकि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ये दोनों पता होना चाहिए. तो और किसी गाने में क्या कमी रहेगी या किसी में क्या अच्छा था, तो ये तो लर्निंग तो सबकी चलती रहेगी जब तक वो वर्किंग है. तो एक ऐसा गाना स्वाति जो पिछले 6-8 महीने में आया जो तो मैंने कहा ये मेरे पर बहुत अच्छा जचेगा. अभी मैं आप तो मेरे, आपने सोचा है कि इसको मैं टॉर्चर करूंगा फिर मारूंगा. <नहीं नहीं। laughs> अब मैं आपको बताती हूँ. आप मुझे जानती नहीं है. मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो जिसने सिर्फ आउटसाइड से ही इतना लंबा सफर देखा इंडस्ट्री का, इतने आए इतने गए, तो मैं हर किसी को रियलिटी में जानता हूँ. मतलब चाहे वो अक्षय सर हो चाहे रणबीर हो, मैं इंडस्ट्री वाइज नहीं जानता हूँ, मैं इनको रियलिटी में जानता हूँ. तो मैं जानता हूँ हर किसी की अलग स्ट्रगल जो चल रही होती है, और बाहर से जो दुनिया को दिखता है वो नहीं, बिल्कुल वैसा है ही नहीं इंडस्ट्री में यार. और जब चल भी जाते किसी को पता नहीं होता क्यों चल रहा है. एक्सरे में गाना जरूर सुनना चाहेंगे. ये कैसे आया सर? ये साइकोटिक फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है ऑलवेज, लेकिन इसमें क्योंकि एक अजीब किस्म का प्रेम भी है दोनों के बीच में. करेक्ट सर, करेक्ट. तो उसके लिए भी गाना बनाना मुश्किल रहा होगा सर. जब ये गाना हम मतलब शबीर अहमद ने लिखा है, शबीर भाई और हम लोग बैठ के कर रहे थे, तो हमें कह रहे थे कि एक डार्क है फिल्म, डार्क थोड़ा डार्कनेस रखना है म्यूजिक में. देन कुछ ऐसा वर्ड लाते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, जिसका मीनिंग हो भी और नहीं भी हो. तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा वर्ड लाते हैं, जैसे एक जिंगलिया करके एक वर्ड है जो साउथ में काफ़ी पॉपुलर है, जिंगलिया. हमने जिगलिया पकड़ा, जिसका कोई ऐसा कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कहीं एक किसी एक लैंग्वेज में, उसका मीनिंग है कि जी लिया काइंड ऑफ. तो वो वर्ड लेके फिर हम लोग सोचे कि इसको कुछ गाना बनाते हैं. देन बनाने के बाद ऐसा लगा कि ऐसे वो रहता है कि थॉट से एक सिंगल शब्द आ जाता है, सिंगल शब्द से पूरा गाना बन जाता है, गाना बन जाता है सर. उसके बाद फिर स्वाति आई, और फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा कुछ अलग सा टेक्सचर देता. आप जब ट्रैक सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ अलग से वॉइसेज हैं, कुछ अलग कुछ भी हो रहा है कहीं पे, कहीं इक्का की वॉइस आती है और कुछ. देन स्वाति को हमने बोला कि कुछ स्वाति, क्योंकि स्वाति जिस गाने से पॉपुलर हुई हैं वो बन्नो तेरा स्वैगर है, और वो नेजल था, लेकिन यहाँ नेजल नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसने वो उस गाने की डिमांड थी, उसने वैसा किया. तो आधी इंडस्ट्री ने सोचा कि स्वाति नेजल गाती होगी, तो उसको पता ही नहीं चला. तो हम लोग हमारे अच्छे दोस्त हिमेश शर्मा ने नेजल से ही करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए और करियर. आपको पता है ये जो जिगिलिया, मैंने अभी कल ही मीम देखा, हिमेश जी के साथ ही था. एक्चुअली इसमें एक लाइन है, सुसुसु सुरूर चढ़ा रहे. पूरे गाने में आप देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे ना वो सर्टेन एक पॉइंट लिखा है कि इतने सेकंड पे What is this? What is? मैंने बोला क्या है, मैं जाके देखी तो उसमें सुरूर चढ़ा रहे. तो उसमें पता क्या मैं देख रही हूँ, कल मीम्स था कि ये ना दैट टाइम तेरा हिमेश जी का फोटो, तेरा 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 सुरूर, और अभी सुरूर. अरे यार पागल बना दिया मतलब. बट देखो आजकल ना पब्लिक, कुछ पब्लिक क्या होती है, घर में बैठी रहती है, इसी को बनाने के लिए वो बना देते हैं. कोई भी पिक्चर आ जाए, कोई भी क्रिकेट शॉट भी हो जाए ना, रोज मीम बन जाते हैं. आजकल पब्लिक का कंजम्पशन बड़ा शॉर्ट रहता है. गाने को गाने में कोई मुश्किल बात नहीं हुई होगी फॉर यू एट ऑल? आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट एंड भैया इंस्टेंटली बहुत खुश हो गए थे जैसे मैंने गाया गाने को, बिकॉज ये जो
जोन है ना, ये बहुत सेडक्टिव टाइप का जोन है. और आई लव टू प्ले विथ माई वॉइस. एज यू नो, बन्नो के टाइम पे भी मैंने कुछ ज़्यादा ही प्ले कर दिया, तो सबको लगा रही ये ऐसा ही गाती है, इसका आवाज़ ही ऐसा होगा. बट नहीं है, अभी इसको आप सुनेंगे तो बिल्कुल अर्बन फील और जैसे आज चलता है क्लब्स में गाने, वैसे वैसा गाना है. आई होप दिस एक्चुअली डज कम आउट यार इन अ लार्ज वे. अभी इस गाने के साथ में क्या लग रहा है आपको, एक और राउंड मारना चाहिए इनको? और अभी तक जहाँ पे मतलब, क्योंकि हम सब इंडस्ट्री में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मेरे को जो पहला रिव्यू ये आया था कि स्वाति की वॉइस बहुत अच्छी लग रही है. मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई वैसी वॉइस ले लिया आपने जो बहुत चल रही थी, एक नया गाना उसका आ गया, तो थोड़ा डिफरेंट भी साउंड कर रहा है. तो ये मुझे लगता है कि एक अलग जगह बनेगी स्वाति ये हिस्से फिर से. यू नो, आई थिंक यू हैव टू समटाइम्स जस्ट काउंट व्हाट कम्स टू यू, और उसके बाद उन्हीं में से एक है, ऐसा बन जाता है, कुछ कह नहीं सकते. अब जैसे लैम्बोर्गिनी 4 साल का है, सारा टिकटॉक आ गया और फिर सडनली बन गया गाना यार. दूरबीन दूर दूर तक कहीं गायब थे भाई, सडनली दे केम बैक. टुडेज वर्ल्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड. लेकिन तुम स्वयं खुद गाते हो क्या, या वो नहीं किया अभी तक? नहीं, या पता चले बाद में वो भी चालू है? नहीं, मैं बाथरूम में बहुत गाता हूँ. एंड लाइक बचपन में मैंने भी सपना देखा था कि मैं सिंगर बनूं, तो मैं गा रहा था. मेरी बड़ी स्टोरी है पूरी, क्या क्या इस स्टोरी की, सिंगिंग की स्टोरी है. हाँ, अरे इसने पूरा लेटर लिखा बाकायदा, इतना बड़ा. पापा को फर्स्ट लाइन थी, मुझे लगता है दीदी मुझसे जलती है. मुझे लगता है दीदी मुझसे जलती है. मैं, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत यूनिक है पापा जी, जैसा कि आप सीरियसली लिखा. हाँ, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत यूनिक है, पर वो मुझसे जलती है और वो कहती है कि तुम्हारी आवाज एक फटे हुए भैंस की तरह है, एक गधे की तरह तुम्हारी आवाज है, ये है वो है. आप बस मुझे एक बार बैठा दीजिए गुरु जी के साथ दीदी के, और मैं एक हफ्ते में आपको बताता हूँ मैं कैसा गा सकता हूँ. और क्या उम्र थी आपकी? आई थिंक मेरी उम्र रही हुई कुछ 12-13 साल की. कमाल का कॉन्फिडेंस. बड़े पर्दे पर देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. ये मतलब इसका जितना बड़ा सपना था ये हम सब देख रहे थे, और मैंने तो इसको बहुत क्लोजली वॉच किया है. ये डॉक्टर बनने गया था तब भी, ये अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तब भी पूरे दिन मिरर के सामने खड़े होकर बाल सेट कर रहा है, मैं क्या लगता हूँ ना. इतना ऑब्सेशन अपने से, इतना ऑब्सेशन. डीपी भी खुद की, वॉलपेपर भी खुद का, ये भी अपना. मैंने बोला कि, मैंने इसको बोला भाई तुमको ना डॉक्टर नहीं बनना है, तुम ना स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ, और ना तुम क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो, तुम जस्ट पापा को बोल दो, क्योंकि पापा ने ऑलरेडी मेरे लिए इतना ना दुनिया से पंगे ले लिए हैं. ऑलरेडी मेरे रिलेटिव्स उनको पागल समझते हैं कि है ना, आउट ऑफ नो वेयर बिहार से उठ के एक लड़की आ रही है, आप सोच रहे हैं कि सुनीति चौहान बन जाएंगी. ऐसा नहीं होता है, हर कोई सुनीति चौहान नहीं बनता है. तो एक तो बन्नो के आने के बाद वो थोड़ी चुप हो गए, और अब ये भी चालू था, ये वाला मैंने बोल दिया, अब ये भी बोल दिया कि मैं एक्टर बनने वाला. लड़की के ऊपर काहे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोला क्या? पिक्चर ऐसी है, उसमें एक आध सीन है, तो ये नहीं बोला घर वालों ने या बाजू वालों ने, पिक्चर तो बना ली अच्छी, लेकिन क्या कर रहा है ये लड़की के ऊपर, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, अभी तक मुझे तो ऐसे कुछ कमेंट्स नहीं. तुम्हें नहीं आए होंगे, पिताजी को पूछना पड़ेगा ना. एक्चुअली मुझे कॉल नहीं किया किसी ने. तो हमें इतना बोल देते हैं, इतना सुना देते हैं कि दुनिया वाले जो भी बोले हमें अच्छा ही लगता है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, आवाज बुरी आ रही है, कोई बात नहीं. आई थिंक कई बार एक रियलिटी चेक की जरूरत पड़ती है, और आई थिंक यहाँ पे रियलिटी चेक की जरूरत है. She's a brilliant singer. I think he just needs to come back into the open. और वो कई बार near misses. एक बार वापस गाड़ी आगे चले आए. मैं इतने पास जाके पीछे. अरे don't worry. मैं मेरी तो पास जाके 17 साल से चल रही है. Thank you brother. Take care. Good luck. Thank you so much. और अगर एक बोल दिया नहीं गाना है तो नहीं गाना है. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली फिल्म में मैं गा भी रहा हूँ. मैं नहीं कर रहा हूँ. चलो टेक केयर. X-ray it is. Make sure you go check it out on screens. अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, गो चेक आउट द ट्रेलर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट शायद आप प्रभावित हो जाएंगे टू गो टू द थिएटर्स टू वॉच इट. बाय बाय.